दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जो आज का प्रॉब्लम जेसीबी 3DX 2011 के मॉडल में आया है वह प्रॉब्लम कभी ना कभी हर मशीन में आ ही जाता है। क्या है वो प्रॉब्लम, यह मैंने अब भी कस्टमर को और ऑपरेटर को दोनों को कॉल पे बात की, दोनों से जानना चाहा कि क्या हो क्या रहा है। तो उन्होंने बताया जब जेसीबी उनका चढ़ान पे जाता है तो भागता ही नहीं है, प्लेन रोड पे भी वो भागता नहीं है, चढ़ान पे तो ऐसा लगता है कि वो चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। जब पहियों पे मशीन को खड़ा करके मैंने उनको पूछा कि चक्का घुमा के देखे, फोर वाला गियर डाल के देखो, तो वह भी उन्होंने करके देखा, तो फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ट्रांसमिशन में है। अब ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे मशीन में जाके क्या क्या चेक करना पड़ता है, सब कुछ आपको हम दिखाने वाले हैं हमारे इस चैनल पे। सब कुछ, इंजन हो, ट्रांसमिशन हो, एक्सल हो या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो, सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जेसीबी से जुड़ी हर जानकारी होगी आपके पास बहुत ही जल्दी। तो चलिए अभी उस मशीन पे जाके देखते हैं वाकई में हुआ क्या है। वैसे हम मशीन पे आ चुके हैं, यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो मशीन को एक जगह पे लेके आ रहा है। अब मशीन को साइड में लेते हैं, थोड़ा सा उसको स्टेबिलाइजर पे ऊपर उठा के देख लेते हैं क्या हुआ है, आगे पीछे ठीक से होता है, स्पीड कितनी आती है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे। अभी यहाँ पे उसको नीचे लेके देखते हैं क्या हुआ है। ऐसे स्पीड में तो कोई कमी नहीं लग रही है, लेकिन ऐसे पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी इसको कोई भी लोड नहीं है और प्रॉब्लम जो है हमारा वो लोड नहीं मिलने का है। तो सीधा हम ट्रांसमिशन हॉइल को खोल के देखने वाले हैं, वहीं पे पता चलेगा कुछ मोटर वोटर मिलता है या नहीं। चलिए ट्रांसमिशन स्ट्रेनर के पहले इस स्ट्रेनर को निकालेंगे, इसे ट्रांसमिशन का स्ट्रेनर कहते हैं। इसको 13 के दो बोल्ट होते हैं, 13 नंबर के पाने से आप इसे खोल सकते हैं। इसको खोल के जब भी कभी आपको ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आता है, एक बकेट लेने का है 20 लीटर का अच्छा, यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस ऑयल को फिर से यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छा वाला बकेट लेना है। और इस बोल्ट को जैसे मैं खोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा खोलना है, और थोड़ा थोड़ा खोलना है, कभी कभी हो सकता है वो ऑयल झटक से वहाँ से निकल जाए, तो ध्यान रखना है। कभी कभी ऑयल जल्दी वो स्ट्रेनर बाहर आता है, कभी कभी उसको स्क्रू ड्राइवर से कटा के निकालना पड़ता है, तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। अभी तो मैं बोल्ट खोल रहा हूँ लेकिन ऑयल बाहर अभी भी आया नहीं है, हो सकता है आपके टाइम पे आप जैसे ही बोल्ट लूज करोगे तब से जल्दी से ऑयल आ जाए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 13 के बोल्ट स्ट्रेनर के मैंने निकाले हैं। आप थोड़ा सा अरे यार ये क्या, ये देख सकते हैं ऑयल की कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी है दोस्तों। अरे बाप रे, अभी अंदर क्या पता नहीं, ये तो ऑयल बहुत ख़राब हो चुका है, ऑयल में कुछ पानी जाने की वजह से इस तरह का ऑयल होता है, ऑयल में पानी जा चुका है, कहीं से तो पानी गया है। एक तो ऊपर का गियर जहाँ से डालते हैं वहाँ का पैकिंग कटा होगा, या फिर जहाँ से ऑयल हम डालते हैं उस पाइप की पैकिंग जा चुकी होगी। ये देख सकते हैं आप, ट्रांसमिशन का ऑयल अगर इतना ख़राब हो, अरे बाप रे, ये देख सकते हैं आप, ये देख लो पूरा उसमें जो फ्रिक्शन प्लेट, काउंटर प्लेट, क्लच प्लेट का पूरा मटेरियल इसमें आ चुका है और चोकअप हुआ है पूरा। ऐसे में लोड लेगा ही नहीं कोई भी मशीन हो, जेसीबी का कोई भी ट्रांसमिशन हो, ऐसे हालात में बिल्कुल लोड लेगा नहीं। जो हमारे अंदर की क्लच प्लेट वगैरह होती है ना, उसका ये देखो, उसका पूरा की पूरा मटेरियल निकल चुका है दोस्तों। अभी
कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें इसका ट्रांसमिशन खोलना पड़ेगा अभी। अब क्योंकि ये आप ऑयल की कंडीशन देख सकते हैं, पूरी तरह से अंदर की जो प्लेट्स होती है वो ख़त्म हो चुकी है और उस प्लेट का मटेरियल स्ट्रेनर पे आ चुका है। तो मालिक से बात करेंगे हम और ट्रांसमिशन को खोलेंगे। लेकिन दोस्तों, ट्रांसमिशन के ऑलरेडी मैंने हमारे चैनल पे 3 वीडियो डाल चुके हैं। ट्रांसमिशन को नीचे कैसे लेते हैं, उसकी क्लच प्लेट को कैसे डालते हैं, ये 3 मैंने भाग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो उसको देखिए पहले।